देश में एक बार फिर से हुई नोटबंदी। इस बार 2000 के नोट का चलन हुआ बंद। आरबीआई ने लिया फैसला। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद कर दें। हालांकि 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि ये नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे। आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत ये नोट निकाले थे। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद इन नोटों को जारी किया था। यह फैसला इसलिए किया गया था ताकि उस समय 500 और 1000 के जो नोट चलन से हटाए गए थे उनका बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर कम किया जा सके। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए तब 2000 रुपए को चलन में लाने का उद्देश्य पूरा हो गया। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को लाने के उद्देश्य को एक बार पूरा हो जाने के बाद 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। उस समय तक अन्य मूल वर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए थे। आरबीआई ने यह भी बताया है कि मार्च 2017 से पहले 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89% जारी किए गए थे। लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो वे 2000 रुपए के नोट बैंक खातों में जमा कर सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। लोगों को यह ध्यान में रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए मूल्य के नोट ही बदले जा सकेंगे। यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।